होगा। बड़ी खबर इस वक्त ये है, राहुल को 12 बजे तक रोड शो खत्म करना है, ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि 12 बजे तक का वक्त भी मिला था और 12 बजे से अखिलेश यादव जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन बनारस की इन्हीं सड़कों पर दिखाएंगे और इसी वजह से काफिले को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ये रोड शो आगे बढ़ना था लेकिन तकरीबन एक घंटे की देरी हुई। हालांकि उसके बाद हमने देखा जन समर्थन अपार मिलता हुआ यहां पर कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये वोट में भी कन्वर्ट होगा, बड़ा सवाल यही है। फिलहाल रुख करेंगे लंका गेट का, जहाँ से राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से राकेश, जल्दी जल्दी काफिले को इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि 12 बजे तक का ही समय मिला है राहुल गांधी को, और क्या जानकारी है? देखिए चित्रा, 12 बजे तक का समय दिया गया है, स्थानीय प्रशासन ने जो है समय दिया है उन्हें रोड शो करने के लिए। जो स्थानीय नेता है उनसे मेरी बातचीत, उन्होंने साफ तौर पर कहा, तो ऐसी स्थिति में जो उनका रोड शो जिस धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस नेता जो यहाँ पर मौजूद है उनका मानना है कि धीरे धीरे जो हुजूम है उसके चलते परेशानी हो रही है काफिले को आगे बढ़ने में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि काफिले को तेजी से अब आगे निकाला जाएगा ताकि जो है यहाँ पर बीएचयू के गेट पर यहाँ पर पहुंच सके और मदन मोहन मालवीय का जो प्रतिमा है उस पर जो है फूल और माला अर्पित कर सके राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो भीड़ है, क्या भीड़ ये वोट में तब्दील होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है चित्रा। रोड शो खत्म होने की बात कहा जा रहा है कि एक रैली को भी संबोधित करेंगे? देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि रोड शो खत्म करने के बाद जो है सभा को यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं, लेकिन जिस गति से उनका काफिला आगे बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 12 बजे तक का समय उन्हें रोड शो का दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर पहले पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो सभा को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की कमी होती है, अगर 12 बजे तक का समय है तो ऐसी स्थिति में अगर 12 जहां बजेगा वहीं पर उनका रोड शो रुक जाएगा। चित्रा एक बार पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए राकेश, उसके बाद मैं अध्यक्ष जी के पास आऊंगी क्योंकि बड़ी देर से इनके मन में चल रहा था कि आखिर ये रोड शो इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है। राकेश पीछे की तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए चित्रा, आप देख सकती हैं यहाँ का दृश्य, आप देख सकती हैं कि किस कदर यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और संख्या जहाँ तक बात की जाए संख्या यहाँ पर थोड़ी ही संख्या है इनकी, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो काफिले के साथ जो भीड़ है वो काफिले के साथ कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा जब राहुल गांधी का जो रोड शो जो चल रहा है क्या 12 बजे तक यहाँ पहुंच पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जिस तरह से काफिले में लोग चल रहे हैं क्या ये वोट में तब्दील हो पाते हैं या नहीं, ये स्थानीय लोग हैं नहीं, जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि ये भीड़ जो है स्थानीय है, जबकि बीजेपी और अरविंद केजरीवाल का जो रोड शो था उसमें बाहरी लोग ज्यादा शामिल थे, लेकिन हकीकत यह है कि दूसरे नंबर की लड़ाई चल रही है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में। जो बातें